वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। गुड इवनिंग गाइस, तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में नर्मदा रिवर कर चुके हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, सब मैं आपको बता चुका हूं मैप के थ्रू, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड। आज हम लोग देखेंगे तापी रिवर और साबरमती रिवर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है, मेरा नाम है आशीष तिवारी। चलिए तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, तापी जो है, देखो सबसे पहली चीज तो याद रखनी है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। तो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, मैं ये सब के बारे में आपको बता रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज में, ठीक है। तो तापी जो है सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पहली कौन सी है, नर्मदा, उसके बाद है तापी, ठीक है। और इसको ट्विन ऑफ नर्मदा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्विन ऑफ नर्मदा, मतलब नर्मदा की जुड़वा बहन, क्योंकि भाई नर्मदा बहती है उसके नीचे तापी बहती है ना। ओरिजिन इसका होता है मुल्ताई फॉरेस्ट एमपी से, कहां से, मुल्ताई फॉरेस्ट एमपी। अब ये कौन कौन से राज्य में बहती है ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो आप मैप में देखोगे तो एमपी से निकलती है, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। अब ये भी जो है फॉल कर जाती है अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ खम्बत गुजरात में, ठीक है, गल्फ ऑफ खम्बत, जहां नर्मदा, अब ये भी इस्ट्यूरे बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो वेस्ट फ्लोइंग जितनी रिवर है वो सब इस्ट्यूरे बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। अब इस्ट्यूरे क्या है, डेल्टा क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप देख लेना उसको। अब ये सतपुरा और ये देखो ये तापी, अब इसके ऊपर कौन सी रेंज थी, ये नर्मदा थी, इसके ऊपर विंध्याज रेंज थी, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो देखो एग्जाम में कैसे पूछता है कि तापी के नॉर्थ में, ये ऐसे तो आपको पता होगा ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ। तापी के नॉर्थ में सतपुरा हिल्स है, तापी के साउथ में अजंता और सतमाला हिल्स है, कौन सी, अजंता और सतमाला। ईस्ट में महादेव हिल्स है, ईस्ट में कौन सी हिल्स है, महादेव। तो ऐसे करके डायग्राम बना लो आसान होगा। तो ये आपकी सतपुरा हो गई और साउथ में हो गई सतमाला और अजंता हिल्स, ठीक है, महादेव। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो याद करनी है आपको, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है आपकी अरुणावती और अमरावती, कई बार ये कंफ्यूज कर देती है, ठीक है, अरुणावती और अमरावती, कौन सी, अरुणावती और अमरावती। तो सूकी, गोमाई, अरुणावती, अनेर, कौन कौन सी, सूकी, गोमाई, अरुणावती, अनेर, सूकी, गोमाई, अरुणावती, अनेर, ऐसे दो तीन बार बोलोगे लिखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है अमरावती, पंजरा, मोना, बोरी, सिपना, कौन कौन सी, अमरावती, पंजरा, मोना, बोरी, सिपना, अमरावती, पंजरा, मोना, बोरी, सिपना, ऐसे करके चार बार रटोगे हो जाएगी, एग्जाम में आती है, याद रखना। अब इंपॉर्टेंट जो इस पे प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो कौन से हैं, तो ये डैम याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट जरूर बनाइए, नोट बनाएंगे तभी फायदा होगा। तो एक है हथनूर डैम, कहाँ, हथनूर डैम, ये महाराष्ट्र में है, हथनूर डैम कहाँ है, महाराष्ट्र में। ऐसे ककरापारा और उकाई डैम, ये गुजरात में है, ककरापारा और उकाई डैम गुजरात। गिरना डैम, ये महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है, गिरना डैम कहाँ है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, हतनापुर महाराष्ट्र, ककरापारा उकाई डैम गुजरात, गिरना डैम महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो इस पे है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूरत में है ना, तापी रिवर के पास पड़ती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूरत फेमस भी है टेक्सटाइल मिल्स के लिए, है ना, तो याद रखिएगा। तो अब मूव करते हैं हम लोग साबरमती रिवर पे, साबरमती रिवर देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट क्या है वो जानते हैं। तो देखिए साबरमती जो होती है दो स्ट्रीम से मिलके बनती है, जैसे चेनाब चंद्र और भागा से मिलके बनी थी, गंगा भागीरथी अलकनंदा से मिलके बनी थी, ऐसे ही एक साबर रिवर आती है और दूसरी हथमाती आती है, ये मिलती है तो बन जाती है साबरमती, क्या बन जाती है, साबरमती, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। ऑरिजिन इसका होता है भैया अरावली रेंज, राजस्थान में है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, अरावली रेंज, राजस्थान, सिर्फ दो राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात। फॉल हो जाती है मतलब अरेबियन सी में, इस्ट्यूरे बनाती है, समुद्र से मिल जाती है अरेबियन सी में, इतना ही याद रखना आपको। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है बहुत कम है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी सेई, SEI, ठीक है, सेई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, ये मत भूलना, वट्रक और वकाल, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एग्जाम में आ चुकी है, ये वट्रक और वकाल, ठीक है। तो वट्रक वकाल हतमाती, वट्रक वकाल हतमाती, एग्जाम में देखो ये जो रिवर है ना इनका राइट लेफ्ट कम पूछता है, ये पूछ लेगा कि भैया वट्रक बताओ किसकी ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन दे दे, तो आप बताओगे साबरमती, ठीक है। अब साबरमती का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सी सिटी गुजरात की साबरमती रिवर पे है, अहमदाबाद, याद रखना। तो अहमदाबाद जो है भाई वो ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कौन सी सिटी गुजरात की साबरमती रिवर पे, तो अहमदाबाद।
तो दिस इज ऑल अबाउट साबरमती। नेक्स्ट वीडियो में माही और लूनी के फैक्ट देखेंगे, खत्म हो जाएंगी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, फिर हम लोग ईस्ट फ्लोइंग करेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, दामोदर सारी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोट जरूर बनाना यार, नोट्स बना लोगे ना तो आपकी मेहनत आसान हो जाएगी, ठीक है, आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगी, बार बार आपको इधर उधर से ढूंढना नहीं पड़ेगी चीजें, ठीक है। दैट वॉज इनफ, मिलते हैं नेक्स्ट।